एसएन मेडिकल कॉलेज में भी बुधवार को बड़ी संख्या में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रभारी अधिकारी फार्मेसी ने बताया कि बुधवार को भी सामान्य दिनों से अधिक भीड़ रही है। करीब 2500 से अधिक मरीजों ने यहां चिकित्सकों से परामर्श लिया है। अनिल जी, आज बुधवार को दिन सारे दिन जो होली के बाद जैसे हॉस्पिटल जो है लोग आना शुरू हुए हैं, होली के उससे जो से बाहर निकले हैं, तो सोमवार से बुधवार तक एक ही जैसी स्थिति रही है। मरीज 2500 से 3000 या सोमवार को 3000 से ऊपर या कभी कभी 3000 से ऊपर आ रहे हैं, 2500 से ऊपर ही मरीज आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी आप, पेशेंटों की संख्या विगत 15-20 दिनों में ज़्यादा बढ़ी है। जब से मौसम का चेंज हुआ है, जब से वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्किन की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई हैं, तो इससे मरीजों का जो सरकारी अस्पतालों में जो दबाव है, जिला अस्पताल ले लीजिए, जिला महिला चिकित्सालय ले लीजिए या एसएन मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, एसएन मेडिकल कॉलेज में जहाँ 1700, 1800, 1600 पेशेंट आते थे, इस समय 3000 से ऊपर 3200, 3400, जनरल रूटीन वाले दिन भी करीब 2500 पेशेंट रुक रहे, तो बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि बार्डो में भी स्थिति, पेशेंटों की संख्या बहुत बढ़ गई है वहाँ पर भी। अनिल जी, इस समय वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा है और जुकाम खांसी बुखार के मरीज़ ज़्यादा हैं और इनकी पर्याप्त मात्रा में दवाई मौजूद है, पैरासीटामोल आ रही है, एसमेक एसपी आ रही है, सारे एंटीबायोटिक मौजूद हैं, एंटी एलर्जिक दवाएं मौजूद हैं और औरतों के लिए दर्द का ट्यूब भी, जिसकी बहुत लोग मांग थी कि दर्द का ट्यूब नहीं है, वो भी आजकल मिल रहा है। दवाइयों की स्थिति तो बहुत बढ़िया है, जब से नए प्रधानाचार्य हुए हैं, जब से दवाइयों की तो समस्या बहुत कम रह गई है। दवाई तो मैक्सिमम दवाई तो मरीजों को मिल रही है, जो दवाई उपलब्ध नहीं है उनके कोशिश की जा रही है।